यस बेटा, लेट्स स्टार्ट नाउ रिवीजन डे टू। वी मे और मे नॉट नेसेसरी कंटिन्यू इन एन ऑर्डर। ओके, सो टूडे आवर फोकस इज ऑन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स। बस मैं एक ही बात चाहूंगा कि आप अपने दिमाग में कोई हौच पौच मत रखो, ठीक है। पर्पस बड़ा सिंपल है कि हम एक ही टॉपिक पर सिमट के नहीं रहना चाहते, समझे। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि हम जो टॉपिक करें उसे वाइंड अप करें, राइट। सो अब हमने साइमल्टेनियसली दो टॉपिक शुरू कर रखे हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज और अब हम कुछ एक मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने वाले हैं कोई हिस्सा। तो नाउ फर्स्ट वी विल वाइंड अप दीज टू बेसिक थिंग, देन वी विल स्टार्ट अनदर थर्ड टॉपिक। सो रिवीजन में हमेशा डे लिखा जाएगा, राइट। और जैसे कल भी हमने एक मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन ले लिया, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि हम कोई एक आधा क्वेश्चन कभी भी कैसे भी उठा दें। सो लेट्स फर्स्ट टेक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट थिन वायर। ये बेटे हमारी एक थिन वायर है, इट कैरीज करंट आई। इससे अगर डी डिस्टेंस दूर मुझे पी पॉइंट पर फील्ड निकालना है तो फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी। कल आपको एक और सैंपल पेपर भेजा गया था, दैट इज अनदर सैंपल पेपर इश्यूड बाय सीबीएसई। एक पहले भेजा था, एक अब भेजा है। अब क्यों भेजा है मैंने अभी दोनों पेपर ठीक से देखे नहीं है, बट ये जरूर देखा है कि जो सेकंड सैंपल पेपर भेजा है उसमें कोई भी आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक नहीं है। जैसे पहले वाले में तो एलईडी वगैरह डली हुई थी, इसमें नहीं है। इतना फर्क तो है, रेस्ट वी नीड टू कंपेयर। मैं लिंक भेज दूंगा, वहां से आप बाकी भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने दिए हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट हेलो यस गुड आफ्टरनून यस मैम, थैंक यू सो मच फॉर विशिंग। मैम जैसी टाइम मिलता है हम जरूर आने की कोशिश करेंगे। राइट नाउ आई एम अ लिटिल बिजी। आप अपना नाम बता दीजिए, हम डेफिनेटली विजिट करेंगे मैम, ठीक है मैम। और ये यही जो मानसरोवर पार्क के पास वाला ऑफिस है ना, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। तो बेटे फॉर्मूला जो है वो तो है ये,
डायरेक्शन, राइट हैंड या मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल? ये क्या कहता है, होल्ड या इमेजिन स्ट्रेट वायर डायरेक्शन ऑफ फील्ड? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ फील्ड। एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर ठीक करना। है जी, हम इसमें एक मेथड और फॉलो कर रहे हैं जो हमारा अपना होगा। आई थिंक सैर को ऐसे ही लिखते हैं, सैर करना या घेरना, बात नहीं हो बाहर निकाल दिए जाओगे। सर डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो फिंगर्स भी देती है, करंट के डायरेक्शन से हम को करते हैं ना। बेटे सर्कल में अच्छा करंट सर्कल होता है, अंगूठा फील्ड होता है। ठीक है जी, अब हमने अच्छा उल्टा लिख दिया, होल स्ट्रेट वायर इन द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी मैंने लॉ ही गलत लिखा हुआ है, लॉ इनकम्प्लीट लिख दिया। होल स्ट्रेट वायर इन राइट हैंड, अब क्योंकि वायर स्ट्रेट है, विद थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्लिंग ऑफ फिंगर्स। जसप्रीत शाम को कहाँ थे बेटे? सर अगर आपने एक टाइम आना है मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। रूल नंबर वन और रूल नंबर टू, ये आप सबकी जो फीस है कल कंप्लीट हो जानी चाहिए अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव, ये जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, आई मीन उदित तुम्हारी भी, तन्मय, माधव, जसप्रीत विल गिव, गजांशवी तेरी भी पेंडिंग है ना? हाँ है पेंडिंग, तेरी हाफ आई हुई थी आई थिंक। हाँ बिकॉज सर फीस तेरी पेंडिंग है ना, इलेवन आएंगे। हाँ तो उसको कंप्लीट करो। देन कर्लिंग ऑफ फिंगर विल गिव डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब ठीक है, दूसरा मेथड है बेटे सैर करना मेथड। जैसे बेटे ये मान लो स्ट्रेट वायर है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका पॉइंट है, ध्यान से सुनना, करंट की डायरेक्शन में सैर करो,
और इस पॉइंट को घेरते हुए वापस आओ। आप किस डायरेक्शन में सैर कर रहे हो? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है? साउथ। और साउथ से फील्ड क्या होता है? सॉरी, साउथ के फील्ड अंदर की तरफ जाता है, साउथ से फील्ड बाहर आता, नॉर्थ से बाहर आता है और साउथ के फील्ड अंदर जाता है। आई एम मेकिंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स राइट नाउ। एनीवे, ये बेटे मान लो, अब ऐसे ही बेटे सपोज कर लो तुम इस साइड फील्ड निकाल रहे हो, तो करंट की डायरेक्शन में सैर करो, पॉइंट को घेरते हुए वापस आओ। देखो कौन सी डायरेक्शन में सैर कर रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? नॉर्थ। और नॉर्थ से फील्ड क्या आता है? बाहर। समझे कि नहीं समझे? ठीक है जी, कैसे मर्जी ले लो। ये मेरी स्ट्रेट वायर है, मगर याद रखना सैर करने वाले मेथड से जो कागज पे आप काम कर रहे हो ना, उस कागज के प्लेन के ऊपर ही पॉइंट होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, तुम जिस बेंच पर लिख रहे हो उस बेंच से 3 सेंटीमीटर नीचे आपको निकालना है तो ये मेथड अभी नहीं चल रहा। फिर आपको वायर के साथ साथ चल के टेबल के नीचे जाकर घूम के वापस आना पड़ेगा। ठीक है, जो डायग्राम हम फिलहाल नहीं बना सकते, समझे। अब मान लो ये पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे? वायर के साथ साथ सैर करेंगे, इस पॉइंट को घेरेंगे, राइट। ये पॉइंट घेरना क्या बना? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है? साउथ। क्लॉकवाइज कैसा बिहेव करता है? साउथ। समझ आ गई? और साउथ से फील्ड क्या आएगा बेटे? इनवर्ड्स। इनवर्ड्स को हम क्रॉस से लिखते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने सीखी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, उसका फॉर्मूला, उसकी डायरेक्शन निकालना। नंबर टू, वेरी बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज (35 ampere). फाइंड, रीड केयरफुली मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन। एट अ पॉइंट 20 centimeter फ्रॉम वायर, एंड टेस्ट विल बी हेल्ड। कैसे हेल्ड होंगे? हम प्लान करेंगे, चाहे रात को आपको 10 बजे जगाऊं, ऑनलाइन लूं, कैसे भी लूं। ठीक है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, बच गया भाई। जस्ट अ मिनट, 4-1। रूल नंबर वन, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपको करने के लिए दिए जा रहे हैं, वो बेटे बिना कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करने का प्रयास करना है। ठीक, क्वेश्चन कितना मर्जी इजी क्यों ना हो,
क्या फॉर्मूला लगेगा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, करंट दे रखा है 2 पाई डी। जिसको म्यू नॉट की वैल्यू नहीं पता, पहली और आखिरी बार सुन लें, हो सकता है एग्जाम में दी गई हो सकता है एग्जाम में ना दी गई हो। 4 पाई 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 3। सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन लेकिन डबल स्टार। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर हॉरिजॉन्टल कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर नॉर्थ टू साउथ। गिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की। 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ वायर। रूल नंबर 1, जैसा मैंने बोला, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपकी कॉपी के ऊपर ही होते हैं, जिस बेंच पे आप काम कर रहे हो उसके नीचे या ऊपर नहीं होते, ठीक है। ये बेटे हमारी सो कॉल्ड डायरेक्शंस हो गई। ये सामने वाली हमेशा नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, सीधा हाथ ईस्ट होता है, उल्टा हाथ वेस्ट होता है। अब बताइए वायर कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ से साउथ करंट कैरी कर रही है। करंट जो है वो नॉर्थ से साउथ है। फील्ड कहां निकालना है? ठीक से बना ली डायरेक्शन। फील्ड कहां निकालना है? ईस्ट डायरेक्शन में। कितनी दूरी पर? पाई दिया है एम्पियर में, डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए। मजा आ गया। तो बताओ बी की वैल्यू निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी? बोलो, डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल लगाना है, थंब रूल लगा लो, सैर कर लो। देखो हम सैर करते हैं, ये करंट की, सामने देखो स्क्रीन पे, करंट की डायरेक्शन में सैर किया, ईस्ट को लपेटा, वापस आया। बताओ ये कौन सी डायरेक्शन में सैर हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, आराम आराम से बोलो, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, नॉर्थ से बाहर आता है। बाहर आने को क्या बोलते हैं? आउटवर्ड्स। ब्रैकेट में लिख दो राइट हैंड थंब रूल। समझ आ गया? पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा पॉइंट नंबर 4।
बेटे डबल स्टार तो है ही, मगर साथ में एक प्लस। अब प्लस मैं नहीं लिखूंगा, बट याद रखना ये उन प्रश्नों में से एक है जो आपको रोज देखना है, रोज आना चाहिए। समझ में आ गई? एक ओवरहेड वायर है, ओवरहेड मतलब ये जो बिजली की तारे जाती है, पता है राइट हैंड थंब रूल लगाना, ये जो सैर करना मेथड है, सेम प्लेन पे दिक्कत नहीं देता, ऊपर या नीचे दिक्कत देता है। एक ओवरहेड वायर है, प्रॉपर लैंग्वेज लिख देता हूं ताकि तकलीफ ना हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक। कैरीज 50 एम्पियर, आ गया समझ? स्ट्रेट वायर है, ईस्ट टू वेस्ट 90 कर लो प्लीज, ईस्ट टू वेस्ट। आपको कोई एनसीईआरटी नहीं खोलनी, अगर कुछ चेक करना है तो लास्ट ईयर के पेपर्स, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, ठीक है जी। और मैंने थोड़ा सा रैंडम चलना है तो उसका भी फायदा नहीं होगा। ये जो 1.5 घंटा मैं अब कराता हूं, और उधर से शाम का आप ये मान लो पूरी रे ऑप्टिक्स को अच्छे से करना शुरू कर दो, और ये जो रिवीजन है ये डेली बेस का काम फिजिक्स का मान लो, यदि इतनी फिजिक्स हमने रोज करनी है, ठीक। ओवरहेड वायर, हॉरिजॉन्टल प्लेन, कैरी 90 एम्पियर, ईस्ट टू वेस्ट, व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of B 1.5 meter below the line? Okay, देखो करंट किस तरफ है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट, देखा हो गया ना उल्टा, इसलिए लिख लेना चाहिए ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, इसलिए ईडब्ल्यू लिख लेने चाहिए, गलती 1% नहीं हो। 90 एम्पियर, अब इसमें एक समस्या बेटे, अगर आप ये कहोगे ना कि ये मेरा पॉइंट है नीचे, ये नीचे नहीं है, ये तो सेम प्लेन पे है, बेटे इफ यू कैन सी माय वीडियो, डॉल्सी तो अपना वीडियो ऑफ कर ले बेटा, थैंक यू। ये बेटे हम एक पेन ले लेते हैं, वट एवर इज मोस्ट इजिली विजिबल, ये हमने एक पेन ले लिया, आई होप दिस इज, मैं बहुत गोरा चिपता हूं तो ये गोरे गोरी चीजें दिखती नहीं है एक्चुअली इजिली, ठीक है जी। ये हमने एक पेन ले लिया बेटा, राइट, करंट है ईस्ट से वेस्ट, जब भी ओवरहेड वायर हो, राइट, आपको राइट हैंड थंब रूल एक्चुअल में लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार होनी चाहिए। करंट कहां है, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ साउथ, बेटे इसी इसी, अगर मैं इस वायर को आशीर्वाद दूं ना तो नॉर्थ साउथ मेरे हाथ पे है,
सेम लेवल पे। इसने नॉर्थ साउथ नहीं मांगा है, ऊपर और नीचे मांगा है, या ये ओवरहेड वायर में हमसे ये ऊपर या नीचे ही मांगेगा। मांगने को नॉर्थ साउथ भी मांग सकता है, ध्यान रखो। तो आप सबसे पहले तो अंगूठी इस वायर को पकड़ो, ठीक है, अंगूठा जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाए, और अब उंगलियां घुमा दो। बताओ ऊपर उंगली किस तरफ जा रही है, सामने, तो नीचे उंगली वापस आएगी। ध्यान रहे, आशीर्वाद देता हूं तो मेरा हाथ सामने है, तो सामने क्या है, नॉर्थ, और पीछे क्या है, साउथ, समझे। अब जब मैं अंगूठा ईस्ट से वेस्ट रखता हूं, आई एम टेकिंग हेल लॉट ऑफ अ टाइम बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, उंगलियों को घुमाओ, बी केयरफुल, नीचे उंगली तुम्हारी तरफ आ रही है, तुम्हारी तरफ मतलब पीठ की तरफ जा रही है, जो पीठ की तरफ जाए वो होता है साउथ। तो टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव में चार ही ऑप्शन मिलेंगी, और मजेदार बात ये होगी कि फील्ड होगा सेम, एक होगी नॉर्थ, एक साउथ, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड। अपवर्ड डाउनवर्ड कहाँ है, ये देखो वायर के आगे, आशीर्वाद दे रहे हो ना आगे, वहां डाउनवर्ड है, ठीक है। फिर तुम्हारे नाक के पास, नाक की उंगली मतलब, ठीक है जी, नाक के छेदों को आर पार होती हुई जा रही है, जैसे मेरे बिल्ले जाते हैं। इज दिस क्लियर? सो बी की वैल्यू क्या होगी? टू पाई डी, और डायरेक्शन क्या आई थी? सर मैंने ये कब कहा कि फील्ड की डायरेक्शन सेम प्लेन में नहीं आ सकती? मैंने तो ये कहा है कि जो पॉइंट दिया हुआ है वो आप डायग्राम में नहीं दिखा सकते, समझे। क्या वाकई नहीं दिखा सकता? आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हो, अगर दिखाना है तो ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा, ये मेरा प्लेन हो गया, और मुझे इसके नीचे फिर दिखाना पड़ेगा ऐसे। अब मेरी डायग्राम डेफिनेटली बिल्कुल सही है। कुछ समझ आया बेटा? मैंने दिखा दिया वायर किस प्लेन में है और हम किस प्लेन में हैं। ठीक, सो ट्राई टू कंप्लीट द डायग्राम द वे नाउ आई हैव कंप्लीटेड इट। और तो ये उल्टा रजिस्टर ना चला, सीधा चला रही है, सीधा ही चलाना है। जो उल्टा रजिस्टर चलाता मिल गया ना, मैं उसको ठोकूंगा, बता रहा हूं बेटे, उल्टा रजिस्टर चलाना है तो फिर ऐसे चलाओ ताकि पन्ने ऐसे ही पलटे जाएं, समझे। रजिस्टर उल्टा चलाने में दिक्कत नहीं है, ओके, ये बात हमेशा समझ लेना। ऐसे लिखेगा तो हर पेज के बाद तेरे 10 सेकंड या 15 सेकंड वेस्ट होंगे, माइंड उस साइकी को नहीं पढ़ सकता बेटा, ठीक है। जिसको आदत है साइकिल, मतलब एक बंदे ने मुंह उल्टा करके साइकिल चलाई, शुरू में दिक्कत आई, 6 महीने बाद एक्सपर्ट हो गया, और 1 साल लगातार उल्टी साइकिल ही चलाता रहा, फिर जब सीधी चलाई तो दिक्कत हो गई। तो तेरा माइंड एक साइड तो कंफर्टेबल हो जाएगा, एक साइड अनकंफर्टेबल हो जाएगा, या तो दोनों तरफ कंफर्टेबल कर, उधर से भी ऐसे लिख। अभी फिर नंबर 5, फिलहाल हमने स्ट्रेट वायर के इतने ही सवाल लेने, ओके। फोर्स ऑन, क्योंकि आज हमारा एम एक्चुअल में कुछ और है, स्ट्रेट वायर
और आपको मैंने कहा कोई एनसीईआरटी नहीं खोलनी, मेरे सामने एनसीईआरटी खुली हुई है, 4.2 करा दिया, 4.3 करा दिया, 4.4 करा दिया, अगला 4.5 पे आ रहा हूं, समझे? मेरा काम है, मैं अपने आप देख लूंगा, समझ आ गई? बताऊंगा नहीं। फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट एंड प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बेटे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाने का है तो पैरेलल दिखाने का, इक्वल डिस्टेंस पर दिखाने का, ये हमारी स्ट्रेट वायर हुई। एंगल बनाती है थीटा, करंट कैरी करती है आई, फील्ड है बी। नंबर वन, फॉर्मूला ऑफ फोर्स एफ इक्वल टू B I L साइन थीटा, करंट बाहर L क्रॉस B, ठीक है जी। नंबर टू, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कल भी वर्ड यूज हुआ था, फोर्स निकालना है तो लेफ्ट या राइट, जिसकी स्पेलिंग में एफ आता हो। स्टेटमेंट याद कर लेना, ठीक है जी। नंबर तीन, सी पार्ट, सॉरी, रीजन ऑफ फोर्स जो वायर करंट कैरी करती है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किस वेलोसिटी से मूव करते हैं वो
ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट फोर्स ऑन ईच सच इलेक्ट्रॉन एंड हैंस ऑन वायर। मतलब वो बोलना तो नहीं चाहिए, बट इट्स जस्ट लाइक समबॉडी सेज कि हम तुम्हारे घर में घुस के, ठीक है जी, वार करेंगे। तो वायर के अंदर घुसकर इलेक्ट्रॉन को परेशान किया जाएगा, वायर अपने आप परेशान हो जाएगी। अगर रीजन क्लियर है तो डेरिवेशन भी क्लियर होनी चाहिए। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट ऑन एवरी डे वी मे ऑल्सो डू वन डेरिवेशन। ठीक है जी, मे मेरा एम सिर्फ आपको मार्क्स दिलाना है, तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बनेगी, बना देते हैं, कॉपी पेस्ट ही तो करनी है मुझे, यही वाली डायग्राम। अब आपके सामने है बेटे, फोर्स लगने की वजह क्या है? मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले आप हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकालो। आइए उसको बी, ये फार्मूला होता है बेटा, अभी मैंने यही फार्मूला रिवाइज नहीं करवाया है तो इसको याद करना पड़ेगा। बी ई वी डी साइन थीटा, देखो रीजन क्या है, हर इलेक्ट्रॉन को तंग किया जाएगा, कर दिया। अब हम ऐसे कुल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ वायर। नील, यू जस्ट ज्वाइंड और यू हैव बीन विद अस? सर पहले से ही हूं। आई कांट हियर यू बेटा। सर 12:30 में ज्वाइन कर दिया सर। हाँ अब बोल। सर पहले से हूं सर। ओके, ये डिसऑर्डर्ड वे में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। हाँ वैसे हाँ भी कहता तो भी मैं मानता नहीं। तो स्मॉल एन बेटे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को हम स्मॉल एन से लिखते हैं, और वॉल्यूम ऑफ वायर एरिया इनटू लेंथ हो जाता है। तो फोर्स ऑन वायर एफ बी स्मॉल एफ इंटू एन बी ई वी डी साइन थीटा
कैपिटल एन ठीक है जी। अब ये जो स्मॉल एन कैपिटल ए ये सेकेंड यूनिट में आप डेरिवेशन करते हो, बस हो गई डेरिवेशन। किसी भी डेरिवेशन को इजी समझकर इग्नोर नहीं करना है। मैग्नेटिज्म में से एक डेरिवेशन पक्का आएगी और मैं किसी भी डेरिवेशन को डबल स्टार नहीं देने वाला, ये बात याद रख लेना, अनलेस मुझे लगता हो कि वो टफ है और आप गलती कर सकते हो। ये सवाल मत पूछो, मैं बहुत बार बता चुका हूं। गिनती कर लेना, जितनी तुझे गिनती आती है ठीक है जी, उतनी आएंगी नहीं, तीन से या चार से ऊपर ज्यादा डेरिवेशंस नहीं आएंगी। पर अगर उसमें एक ट्रांसफार्मर टपक गया या तो फिर एक डेरिवेशन को और काट कर दो। ठीक, जब आपके 10 ऑब्जेक्टिव आने हो, 4-5 आदर्शन रीजनिंग आने हो, एक केस स्टडी आने हो, टोटल 14 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हो, तो तुम का समझो 14 की 14 डेरिवेशन आ जाएंगी उठा के, नहीं आएंगी। 5 तो न्यूमेरिकली आएंगे, बच गए 9 क्वेश्चन, उसमें से 5 कॉन्सेप्चुअल मान लो, बच गए 4 क्वेश्चन। अब बोलो हुला ला लहू। तो इसलिए बेटे अगर ये सोच के चलोगे कि भाई हमने सारी डेरिवेशन कर ली, सारी थ्योरी कर ली, अब हम पास हो जाएंगे, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी तुम्हारी। पास किसने होना है, सही बात है, पास भी नहीं है। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, शाम को सोते रहो, कोई फायदा नहीं है। और मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम दोनों इकट्ठे सो रहे थे। अच्छा, मैं ये पूछ चुके तो सो रहा था, तुमको ये भी पता हुआ किसके साथ सो रहा था। और तू क्यों नहीं आया भाई, कोल्ड था, अब तू हॉट है। ये समझ जाओ बात को, एब्सेंटिज्म मुझे चाहिए नहीं, और जिस दिन टेस्ट होगा वो गोल मार गया भगा दूंगा मैं उसको। हाँ जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद रख लो, बस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है करंट कैरिंग वायर के अंदर। ये हो गया जी नंबर 5 पॉइंट। अब आ जाओ नंबर 6 पॉइंट पे। अगर कोई चीजें नहीं बताई जा रही तो उसको होल्ड करो, समय आने पे आ जाएंगी। What is magnitude of force per unit length on wire carrying 8 ampere comma 30 degree to magnetic field of 0.15 tesla। बेटे फोर्स नहीं निकालना, तो उससे एक चीज तो ये फर्क आएगी कि आंसर न्यूटन नहीं आएगा, न्यूटन पर मीटर आएगा। करंट
8 एम्पियर, थीटा 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड 0.15, तो फोर्स किसके बराबर है? बी आई एल साइन थीटा, एल तो उधर चला गया, साइन 30 1/2 होता है, तो 0.6 ही आ गया मेरे हिसाब से। डायरेक्शन पूछी नहीं, निकालेंगे भी नहीं, ठीक है जी, क्लियर। टेन सेकेंड्स। गुड दिया। हाँ सभी की बात कर रहे हो, ये क्लास के बीच में मुझे कुछ मत बोलो, छोड़ दिया। नेक्स्ट अ 3 सेंटीमीटर वायर रिकॉर्डिंग हो रही है, उम्मीद करो कि मैं अपलोड कर दूंगा, देख लेना, नहीं हुई तो इमेजिन कर लेना कि मैंने अपलोड कर दी, देख लेना। पढ़ लिए तो एक बार मिलेंगे, नहीं पढ़े तो बार बार मिलेंगे। अ 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। बेटे सोलेनॉइड का सारा मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होता है, अगर वायर परपेंडिकुलर पड़ी है तो थीटा 90 है, ठीक है जी। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज 0.27 टेस्ला। पॉइंट फोर्स ऑन वायर, लेंथ कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। करंट कितना है? 10 एम्पियर। सोलेनॉइड में सारा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है और यूनिफॉर्म होता है, वायर जो है वो इसके परपेंडिकुलर पड़ी है, डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। थीटा 90, हो सकता है कल 30 डिग्री पे पड़ी हो, मैग्नेटिक फील्ड 0.27 टेस्ला, फोर्स निकाले। चलिए अभी बता दे, ध्यान से सुन लेना, कल आपका टेस्ट रहेगा, टेस्ट का सिलेबस डे वन डे टू तो समझ गए ना पक्का, डे वन डे टू
लेंस मेकर फॉर्मूला डेरिवेशन ऑनवर्ड. कुछ समझ आया? ठीक है, लेंस मेकर की डेरिवेशन हुई, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन चल रहे हैं. मैं यहां थ्री लिखना भूल गया, अब याद आया. ठीक है जी, डे वन, डे टू, डे थ्री, लेंस मेकर फॉर्मूला, डेरिवेशन एंड क्वेश्चंस. जहां वो कल क्वेश्चन खत्म होंगे, आज खत्म हो जाएंगे, उसके बाद प्रिज्म स्टार्ट हो जाएगा, प्रिज्म नहीं आएगा. सर यस, कल 12:30 में क्लास अटेंड नहीं कर सकती. कोई बात नहीं, जय हो. स्कूल में पेपर है. गंगूबाई का प्रणाम आपको. ठीक है, और ये आपको देखना है कि आपको कैसे करना है टेस्ट. रिकॉर्डिंग भेज देना टाइम से. नहीं मेरे को पता बेटा, ऐसे नहीं होता. सारा टाइम क्लास लूँ, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग कहाँ से अपलोड करूँ? आके कर जाओ अपलोड. रेजिस्टेंट ड्राइव वगैरह का पासवर्ड दे देना, मैं कर लूंगी अपने. इसका पासवर्ड गूगल ड्राइव का, जूम का, बस Zoom यही दो चाहिए. या अगर आपका आई क्लाउड पे होता तो आई क्लाउड का. या वो. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ठीक है, टेस्ट जो होगा वो रात के समय होगा, अराउंड में भी 9, 9:30, 10 o'clock. ठीक है, क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा एंड यू विल बी सबमिटिंग द आंसर्स नेक्स्ट डे. एंड इट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पोथी खोली, आपने अपने दिमाग से करा. समझ में आ गई? मेरे को देखना है स्टाइल ऑफ सॉल्विंग द पेपर और छोटी छोटी गलतियां. ठीक, डंडे मैंने मारने मारने गलतियां ढूंढ के. जो छोटी गलतियां जो मेरे लिए भयानक हैं, उनके लिए मैं पीटूंगा. तो मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने 30% लिए, 40% लिए, 50% लिए. जो किया उसमें कितनी गलती हुई, मेरे को वो इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट बेटे, नंबर 8th. साले स्कॉलर रोजरी वाले हमेशा तंग करने आ जाते हैं. वाइट वाइट, यहां तक क्लियर हो गया? ये थोड़ी ना तू कस्टमर बेचती है तो तेरा खास ख्याल रखूं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे. एक स्ट्रेट वायर ऑफ 200 ग्राम लेंथ 1.5 मीटर कैरीज 2 एम्पियर. इट इज सस्पेंडेड मिड एयर. ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे बेटे. मिड एयर का मतलब है हवा में लटका दिया. मैंने जसप्रीत को गर्दन से पकड़ा, ऐसे उठा दिया और हवा में लटका दिया. असमत, मैं स्टूल पे खड़ा हुआ हूं. ठीक है जी, सस्पेंडेड मिड एयर बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. Find value of field. Diagram साथ में दी भी हो सकती है, नहीं भी दी हो सकती. Question है क्या? Question है कि ये एक वायर है जो करंट कैरी करती है, प्लस ये एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है. सस्पेंडेड मिड एयर का मतलब होता है बेटे एक ही, कि किसी ने उसके वेट को बैलेंस कर दिया है. बिकॉज
वायर इज सस्पेंडेड मिड एयर, ऐसे एक बार क्वेश्चन नहीं आएंगे, कई बार क्वेश्चन आएंगे। तो फोर्स इक्वल टू एम जी, कौन सा फोर्स? वायर पे फोर्स। अब वायर पे फोर्स की वजह सोचो, बी आई एल, साइन थीटा, ठीक है जी। बी निकालना है, करंट कितना है? टू। लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर। एंगल कितना है? 90। मास कितना है? 200 ग्राम, केजी में होना चाहिए। जी की वैल्यू मैं 9.8 लिख रहा हूं, आप 10 ले सकते हो। सिचुएशन ये होती है कि नीचे की तरफ वेट लग रहा है और कोई उस वेट को बैलेंस कर रहा है। अगर कोई भी चीज मिड एयर सस्पेंडेड है तो उसकी एक ही बात सुन लो, वैसे भी 2 मिनट की ब्रेक है, हम गेटिंग फ्रेशर। नहीं, कंपल्सरी नहीं है 9.8 में। हाँ, अभी 9.8 लिख लो ताकि तुम्हें याद रह जाए कि 9.8 कहाँ से आया। कहने लोगे तो तुम्हें ना बाद में तुम ढूंढने के चांसेस। हाँ, और लिखने की जरूरत नहीं कि मैंने G10 लिया, जस्ट टेक 10। यस बेटा, नंबर 9। तो ये बीआई में वो ऊपर की साइड में मतलब, हाँ तो बीआई में नहीं, ऊपर की साइड में, क्योंकि बेटे वेट को बैलेंस करना है तो ऊपर की तरफ ही फोर्स लगनी चाहिए। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट टुक द स्क्रीनशॉट।
यस बेटा, दिस इज द क्वेश्चन, अ लिटिल लॉन्गर बट प्लीज राइट, थोड़ा शॉर्ट में लिख देना, मैं हाईलाइट कर रहा हूं. अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड लेंथ 0.45 मीटर 60 ग्राम सस्पेंडेड बाय टू वर्टिकल वायर एट इट्स एंड. करंट ऑफ 5 एम्पियर इज सेट अप इन द रॉड. व्हाट मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू कंडक्टर इन ऑर्डर दैट टेंशन इन वायर इज जीरो. जस्ट राइट द हाईलाइटेड पोर्शंस. व्हाट विल बी टोटल टेंशन इन वायर if direction of current is reversed. Now look here, G is mentioned. लिख लिया. देखो बेटे, उतना टफ क्वेश्चन नहीं है जितना हमें लग रहा है. ये हमारी एक रॉड है. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह और इसको दो वायर से सपोर्ट किया गया है. बेटे जब वायर एंड से लगी हो तो टेंशन सेम होती है. नीचे की तरफ कौन सा फोर्स? आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है. ठीक है जी. अब देखो रस्सियों का काम क्या है? रॉड को नीचे गिरने से रोकना. अब यही काम कोई और कर ले तो रस्सियां फ्री. और ये काम कौन करके देगा मुझे? मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमें इसके थ्रू करंट भी दिया हुआ है. पिछले क्वेश्चन से ही उठाया हुआ है ये, समझे? यानी BIL इज इक्वल टू MG. कर लोगे कि नहीं कर लोगे?
देखो अगर करंट रिवर्स कर देते हो, सर BIL साइन थीटा नहीं आएगा क्या? आएगा बच्चे, लेकिन लिखा हुआ है क्वेश्चन में इफ यू सी परपेंडिकुलर, सो इफ यू वांट टू राइट राइट 90. अगर मैं करंट को रिवर्स कर देता हूं तो BIL साइन थीटा डाउनवर्ड हो जाता है, यस और नो? पहले वो वेट को अपोज कर रहा था, अब वो वेट की फेवर में आ गया, तो अब बेटे वायर्स को रॉड को संभालना होगा, यस और नो बेटा? ओके, अब दो वायर हैं, अब नीचे की तरफ नेत्रा, अब मैं साइन 90 लिखना है तो मैं साइन 90 लिखूंगा या मुझे जरूरत नहीं थी? याद रखो कि ये भाई साहब भी देखो, करंट तो वही है, बस डायरेक्शन ही तो पलटी है, तो अगर ये पहले एमजी के बराबर थे तो अब भी तो एमजी के बराबर ही होंगे, तो 2mg, तो टेंशन किसके बराबर आ जाएगी? mg. कितनो मास दियो है? 60 ग्राम. थोड़ा सा टेढ़ा है, उतना भी नहीं. समझ आ गए? फर्स्ट पार्ट बिल्कुल टेढ़ा नहीं है, बस आपको यह समझना है कि टेंशन जीरो कैसे होगी अगर कोई वेट को बैलेंस कर ले. ओके टेंथ. फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट. बेटे लाइक करंट लाइक चार्जेस क्या करते हैं, लेकिन लाइक करंट क्या करते हैं? यानी अगर दो वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही होंगी तो वो पास आएंगे बेटे, समझे? अनलाइक करंट रिपेल,
अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो क्या करेंगे, अवे जाएंगे। ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट फॉर्मूला ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन स्ट्रिक्टली टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इज एफ म्यू नॉट आई वन आई टू टू पाई डी। कुछ लोग क्या कर देते हैं, फोर पाई डी लिखने के लिए ऊपर टू आई नॉट बाय टू आई वन आई टू लिख देते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेन बात याद रखना, ये जो फोर्स है इसकी यूनिट न्यूटन नहीं है, ये फोर्स नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। समझ आ गया? न्यूमेरिकली हम ये एडवाइस करते हैं कि न्यूमेरिकल करते वक्त आप फॉर्मूला ये लिखें ताकि लेंथ इग्नोर ना हो जाए। ओके, समझाता हूं। Too long and parallel wires A and B एट एम्पियर एंड फाइव एम्पियर सेपरेटेड बाय फोर सेंटीमीटर एस्टिमेट फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर वायर
ऑफ ए, अब आप समझो बेटे हमें 10 सेंटीमीटर वायर पे फोर्स निकालना है, फोर्स निकालना है, लेंथ कितनी हुई 10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट तो करनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में है, दोनों नीचे हैं, दोनों सेंटीमीटर में, आई वन आई टू दे रखा है आंसर, अब न्यूटन में आए, समझ आ गया रूल नंबर वन, ये आज का आखिरी टॉपिक था, आखिरी क्वेश्चन था। रूल नंबर टू, कलम इन्हीं पैरेलल वायर से कंटिन्यू करके, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, शाम को मिलते हैं।